बच्चों, सड़क और रेल परिवहन की तरह ही वायु परिवहन के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहले वायु परिवहन केवल सरकार के हाथों में था, लेकिन अब वायु परिवहन के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आ गई हैं, जैसे डेक्कन एयरवेज, जेट एयरवेज, इंडिगो एयरवेज। इन सभी निजी कंपनियों के आने के साथ ही अब विमान सेवाएं पहले की अपेक्षा काफी सस्ती और सुलभ हो गई हैं। बच्चों, आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में है। यह विश्व स्तरीय सेवाओं से युक्त है। हमारा यह हवाई अड्डा भारत के विभिन्न राज्यों को एक दूसरे से जोड़ता है। बच्चों, अब बात करते हैं जल परिवहन की। जल परिवहन के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। पहले हम जल परिवहन का प्रयोग केवल आवागमन के लिए करते थे, लेकिन जल परिवहन के क्षेत्र में हो रहे विकास के कारण अब हम व्यापार के लिए भी जल परिवहन का प्रयोग कर रहे हैं। आपने सुना होगा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी जल परिवहन योजना बनारस में प्रारंभ की गई है। इस योजना के प्रारंभ से ही बनारस में भारी मालवाहक जहाजों का आना जाना शुरू हुआ है और उस क्षेत्र के आयात निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। बच्चों, जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो देश के विभिन्न वर्ग के लोगों के दृष्टिकोण में विकास क्या है, यह देखना भी आवश्यक होता है। अगर हम मजदूरों की बात करें तो हम देखते हैं कि मजदूरों के दृष्टिकोण में विकास क्या है, कि उसे वर्ष भर काम मिले, कम से कम न्यूनतम इतनी मजदूरी उसे मिले कि वह अपनी आवश्यक आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही सके। मजदूरों की इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उसका विकास सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जैसे श्रमिक कार्ड निर्माण योजना, शुभ शक्ति योजना, श्रमिक कौशल विकास योजना। इस तरह की योजनाओं के कारण श्रमिकों की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। बच्चों, क्या आप मनरेगा के बारे में जानते हैं? मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत यह उद्देश्य रखा गया है कि ग्रामीण बेरोजगारी को दूर किया जा सके और कम से कम प्रत्येक ग्रामीण बेरोजगार को वर्ष में 120 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, जिससे वह इतनी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर सके कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसका विकास संभव हो सके। बच्चों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के विकास में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यही कारण है कि भारत सरकार लगातार कृषि क्षेत्र में विकास के लिए कृषि यंत्रीकरण, हरित क्रांति, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना और ऐसी ही कई योजनाएं चला रही है। इसके साथ ही मीडिया यानी कि टेलीविजन और रेडियो के द्वारा भी किसान विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके द्वारा कृषकों को उन्नत खाद, बीज, कृषि उपकरण आसानी से उपलब्ध हो पा रहे हैं और उनका विकास संभव हो पा रहा है। बच्चों, आप छात्र हैं, आपको क्या लगता है, एक छात्र के दृष्टिकोण से विकास क्या है? छात्रों को एक अच्छा विद्यालय उपलब्ध हो, शिक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, अच्छा शिक्षक, अच्छी विषय वस्तु उपलब्ध हो। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे टीम्स ऐप। इस ऐप के माध्यम से बच्चों और शिक्षकों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां एकत्र की जाती है और इसी के आधार पर बच्चों के विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जाती हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ एडुसेट नेटवर्क के माध्यम से कक्षाएं चलाई जाती हैं, कैरियर गाइडेंस की सुविधा प्रदान की जाती है, साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी भी दी जाती है। यही नहीं, CGMMTB ऐप एक मोबाइल ऐप है। इस ऐप के माध्यम से कक्षा 9वीं
और दसवीं के विद्यार्थी अपनी पाठ्य वस्तु से संबंधित विषय सामग्री मोबाइल के माध्यम से जान सकते हैं। आज हम जो विकास की बहुत सारी योजनाओं के बारे में, विकास के बहुत सारे क्षेत्र के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, यह CGMMTB के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इसी तरह QR कोड, आपके पुस्तक में दिए गए QR कोड के माध्यम से आप अपनी विषय वस्तु से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, विकास के कई विरोधाभास भी हैं जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए हम सारे शहर का कचरा एकत्र कर किसी ऐसे स्थान पर डालें जहां पर कोई बसाहट ना हो, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो वहां का जल और वायु दोनों ही प्रदूषित होगी और उससे वहां के आसपास रहने वाले लोगों के जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह सड़कों के निर्माण के लिए या सड़कों को चौड़ा करने के लिए उसके आसपास लगे वृक्षों को काटना जरूरी हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें वृक्ष लगाने भी चाहिए। बच्चों, किसी भी क्षेत्र में विकास हो वो हम सब के लिए लाभदायक भी होता है, लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना भी आवश्यक है, क्योंकि मानव का विकास पर्यावरण के बिना संभव ही नहीं है।